दिवाली प्रकाश का पर्व है, खुशियों का त्यौहार है। इस क्रम में मैं आप सभी लोगों को जो है सभी हमारे श्रोताओं को और समस्त हमारे नगरपालिका क्षेत्रवासियों को और समस्त प्रदेशवासियों को देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। नगर निकाय चुनाव के लेकर सरकारी मशीनरी पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। इसको लेकर आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर आई इंडिया पर आ रही है, जिसमें वार्डों के आरक्षण का फार्मूला तय कर दिया गया है। किस फार्मूले पर आरक्षण तय किया जाएगा, इसकी जानकारी हमें फोन लाइन के जरिए दे रहे हैं आई इंडिया के संवाददाता विपिन राजवंशी। तो विपिन, बताइए कि नगर विकास प्रमुख सचिव ने क्या आदेश दिए हैं नए आरक्षण को लेकर, फार्मूले को लेकर? देखिए प्रियांशु जी, आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण का फार्मूला तय कर दिया है। नए और सीमा विस्तारित होने पर 50% से अधिक जनसंख्या बढ़ने पर इन वार्डों का आरक्षण नया मानते हुए किया जाएगा। आबादी के आधार पर इन्हें पहले अनुसूचित जनजात महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा। पुराने वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर ही किया जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृता अभिजात ने वार्डों के आरक्षण को लेकर आदेश जारी कर जिला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए हैं। इसमें कहा गया है कि वार्डों का आरक्षण करते हुए इसकी जानकारी 3 सेटों के साथ पेन ड्राइव में 4 नवंबर तक नगर विकास विभाग के अनुभाग 1 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। जी, तो क्या क्रम रहेगा आरक्षण को लेकर, किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है सीटों का? विपिन जी, आपको बता दें प्रियांशु जी के आरक्षण फार्मूले के आधार पर पहले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। इसके बाद इसी वर्ग के पुरुषों के लिए श्रेणीवार वार्ड आरक्षित होंगे। इसके बाद वार्डों को अनारक्षित किया जाएगा। पुराने निकायों में चक्रानुक्रम रोटेशन के आधार पर वार्डों का आरक्षण होगा। जी अच्छा, जो परिसीमन में ग्रामीण क्षेत्र के जुड़े हैं उनमें क्या आरक्षण की व्यवस्था रहेगी? जी बिल्कुल, शासनादेश में कहा गया है कि नगर निकाय निर्वाचन वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में कुछ नए निकाय बनाए गए हैं और कुछ का सीमा विस्तार हुआ है। इनमें वार्डों का परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर करने के निर्देश निकायों को दिया गया था। परिसीमन के दौरान कुछ पुराने के भाग मिलाए गए होंगे, इसीलिए इनके आरक्षण में इसका ध्यान भी रखा जाएगा। जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी विपिन, कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की जो पहले महिला हैं उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी, उसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके बाद पुराने चक्रानुक्रम के हिसाब से जो है सीटें आरक्षित की जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए विपिन। दिवाली की हमारे जनपद सीतापुर के समस्त वासियों को धनतेरस तथा दिवाली के त्यौहार की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस, दीपावली के समस्त भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।